गुड आफ्टरनून बीएससी पार्ट सेकंड। आज आपको प्रावस्था नियम का लास्ट पार्ट एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स पढ़ा रहे हैं। स्थिर क्वाथि मिश्रण एक निश्चित संगठन का वह विलयन जो कि एक निश्चित ताप पर उबलता है तथा इस ताप पर विलयन एवं वाष्प प्रावस्था का संगठन समान रहता है, स्थिर क्वाथि मिश्रण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, वह द्रव युग्म वो लिक्विड पेयर्स जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और वह लिक्विड पेयर्स जो कि उस राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करते हैं। पहली कैटेगरी कुछ द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, न्यूनतम ताप स्थिर क्वाथि मिश्रण बनाते हैं। इसका उदाहरण है जल एवं एथिल एल्कोहल। दूसरा है कुछ द्रव युग्म राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, वे अधिकतम ताप स्थिर क्वाथि मिश्रण बनाते हैं जैसे HCl एंड वाटर। पहली व्याख्या न्यूनतम ताप स्थिर क्वाथि मिश्रण, इसका चित्र बनाना। ये द्रव युग्म जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं एम वह न्यूनतम ताप है जहाँ पर द्रव का तथा वाष्प प्रावस्था का संगठन बिल्कुल समान होता है और इसका जो ताप होता है वो टी ए से प्रदर्शित किया गया है। जल एथेनॉल तंत्र में इस मिश्रण में 95.6% इथाइल एल्कोहल होता है जो बिंदु एम पर 78.13 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 ATM दाब पर उबलता है। अतः आसवन द्वारा हम इस शुद्ध निरपेक्ष इथाइल एल्कोहल को अलग नहीं कर सकते। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में बेंजीन को मिला देते हैं जो जल के साथ निम्न क्वाथि मिश्रण बनाती है और आसवन करके हम शुद्ध इथाइल एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है अधिकतम ताप स्थिर क्वाथि मिश्रण, वे द्रव जो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं इस प्रकार के स्थायी क्वाथि मिश्रण बनाते हैं। ये चित्र बना हुआ है आपका। बिंदु M वह ताप है, वह अधिकतम ताप है जिस पर वाई संगठन का विलयन तथा वाई संगठन की वाष्प प्रावस्था साम्य में रहते हैं। यह स्थिर ताप TA को प्रदर्शित करता है। HCl और वाटर तंत्र, शुद्ध जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है और जबकि HCl 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसका स्थिर क्वाथि मिश्रण जिसमें 20.24% HCl है एक वायुमंडलीय दाब पर 108 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। थैंक यू।